साथ में हमारे पीपू भी आ गई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के दिन की भी हमने शुरुआत कर दी है और आज के दिन की शुरुआत हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1:30 बज चुका है और अब हमारी पूरी कंप्लीट तैयारियां हो रही हैं। आज हम अपना बैग भी पैक कर लेंगे और जितना सामान कल लाए थे, पैसे दे दिए मम्मा को, अपनी शॉपिंग कर ली थी। आज जो चीजें आके वगैरह के लिए ले जाना होंगी वो लेकर आएंगे। और आज का दिन कुंडों का दिन है, तो हमारी जो कुंडों की फाता है वो वहां से आकर लगेंगी। फिर यहाँ पर फाता लगाने के बाद फिर से हम निकल जाएंगे, फिर हम वहां पर निकलेंगे, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, यहाँ से वहां। और आज रात को हमारे मामा के घर पर दावत है, तो बड़े मामा के घर पर है, लेकिन है तो दिन में ही, लेकिन टाइम तब मिलेगा रात को, तो रात को जाएंगे दावत खाने। बाकी इधर उधर से काफी पूरी और ये आ रही हैं, मतलब आती हैं, आपको पता होगा, तो इसका ही मजा ले रहे हैं अभी। और बाकी अब खाने का भी टाइम हो चुका है, खाना भी लगा रहे हैं पापा। कल रात हम तंदूर लेकर आए थे, तंदूर का एक लुकमा तक खाया नहीं गया। जो चिकन टिक्का लेकर आए थे उसी में पेट भर गया, बिना खाना खाए वैसे ही सो गए। ठीक है भाई साहब, खाना लग चुका है, जल्दी से खाते हैं चिकन तंदूर, और रात का एक दो टिक्का अभी भी रह गया है, बसता जरूर है। किचन निकालू, चिकन निकालू कि हलीम निकालू, खिचड़ा सब चीज निकाल दो एक बार में, सारी चीजें खीर भी है, खीर बाद में निकालू। आज सब कुछ खत्म कर देना है क्योंकि कल से फिर सफर शुरू होना है। ठीक है गाइस, तो खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद मिलता है। तो हमारा खाना पीना जो है वो हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ जल्दी से ऊपर, जो भी बचे हुए शूट वगैरह हैं वो निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद बाजार वगैरह निकलना होगा, इसलिए अपना सारा काम घर का खत्म कर लेते हैं। और ये हमारा शूट चल ही रहा था अधूरा, हम नहाने धोने में लग गए थे, इस चक्कर में अधूरा छोड़ दिया था हमने। बाकी मैं कर लेता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। और ये देख सकते हैं बंदर अपनी हरकतों में लगे हुए हैं, वाह चित्रभुज। तो गाइस अभी फिलहाल हो चुका है रात का वक्त, जैसे कि आप देख सकते हैं वहां पर 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अपनी दावत को खाने के लिए। हमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, शूट वगैरह, और अपने बड़े मामा के घर पर निकल रहे हैं। मामा भी नकाब ओढ़ रही हैं, तो फिर आप जल्दी से निकलते हैं। हमारे पास स्कूटी भी है, स्कूटी मतलब खड़ी कर दी है यहाँ पर लाकर, उसी से ले जाऊंगा। चलो गाइस तो निकलते हैं यहाँ से, ये खड़ी अपनी स्कूटी। ठीक है गाइस, निकलते हैं अब यहाँ से, चले। हाँ चलो। लो भाई साहब, हम पहुंच गए हैं, घर पे कोई नहीं है, घर में। अच्छा, दावत करके चली गई। पीपू जिंदाबाद, अब भाई पीहू जिंदाबाद। गुस्से में अभी दाना बड़ा खतरनाक निकला है। चलो तो वो ऊपर खाना तैयार कर रही है, देखने चलते हैं। कोई है क्या घर में? दावत पुणे के तो असली मजे ही ले रहे हैं। तो ये भाई साहब खाने में चटनी, और इसमें है खीर, इसमें है सब्जी, आलू भी है, और ये गर्मा गर्म बिरयानी, और एक और चटनी, और एक और खीर, और साथ में पूड़ियाँ। जींस पैंट, स्वेटर, बाबू बिरयानी तरफ नजर जा रही है, देख रहे हो बिरयानी बाजू खाली है। कैप बैप नहीं लगा रहे हो क्या बात है? और दावत खाते ही निकल दी। तो गाइस फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं दावत खा का, साथ में हमारे पीपू भी आ गई है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा आईफोन 15 प्रो मैक्स है। नहीं झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू भाई, अम्मा ने मेरे लिए ऑनलाइन कपड़े मंगाए जो आज पहनी हूँ मैं। As a cinematic song. ये किसकी है? गोल्ड की? गोल्ड की है ये, और ये मेरा बहुत बड़ा हो चुका है आईफोन 15 प्रो मैक्स। किस्मत बदलती वैखियां, मेहरब मह बदलते अपने वैखियां। भाई ये सही है यार, इसको लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। यूरिया खाद लगा रही है। इस जो चीज से हम बाल बनाते हैं उसी चीज से ही बनाए। तेल लगा रहे हैं, तेल, यानी ऑयल। जो मेरा मेरी
या गर्ल या बॉयज देख रहे हो तरीका भी तो बताओ। छोटा सा था, इतना सा था मेरा कीपैड, फिर इतने ऐसे ऐसे करके इतना बढ़ गया मेरा फोन। और अगर तो अगर आपको भी बड़ा करना है कीपैड से तो तेल लगाइए और रात को सूखने रख दीजिए। इसकी एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि जब मैं रात को ना ऑयल दोपहर से ऑयल लगा दो कवर पे और फिर कढ़ाई में डाल दो बेसन लगा के पीछे लगा दो और फिर रात को सूखने रख दो। कढ़ाई लेना, तवा लेना, तवा कुछ भी ले लेना, कुछ ऑयल में फ्राई कर देना। Ooh, so far about 5 seconds. फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। फिर चम्मच से निकाल लो। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया भाई। इतना हमारे फैंस खुश हो जाएंगे कि गाइस पीहू जा रही हैं अपने घर पर वापस। ठीक है पैकिंग कर लेना पीहू। अच्छे अच्छे कपड़े रखना, नए नए। नीले वाला सूट तो जरूरी रख लेना। एक मेरा तो चलिए गाइस अब अपने बैग वैग पैक करा लेते हैं। ऊपर आ चुके हैं हम, ताला पड़ा है, जल्दी से खुलवाते हैं ताला। चलो भाई साहब अपना नया बैग आज इस्तेमाल में आने वाला है और पैकिंग होगी भाई साहब। अरे तो जैकेट तुम खराब कर रहा है भाई। अब इसमें रख दिया जाएगा सारा कबाड़ा। तो भाई साहब इनको करने देते हैं पैकिंग, सेलेक्ट कर लेते हैं माइंड से कि कौन कौन से पहनना है अच्छे अच्छे, फिर उसके बाद मतलब आप लोगों के कमेंट भी पढ़ना है। तो चलिए गाइस अब आप लोगों के यहाँ पर कमेंट भी पढ़ देते हैं। मम्मा काम करती रह रही है वहां पर, तो कंटिन्यू अब पढ़ देते हैं आपके कमेंट। सबसे पहला कमेंट किया है हुज़ैफ ने, कह रहे हैं ऐसे ही पैसे कमाओ माशाल्लाह, अम्मी अब्बू के सपने पूरे करो। तो यस गाइस सपना पूरा हो रहा है इनका, सपना बैग में लिए बैठी हुई है। फिर अगला कमेंट है मोहम्मद रजा का, कह रहे हैं फर्स्ट कमेंट, तो शुक्रिया कमेंट करने के लिए। हुज़ैफ खान का एक और कमेंट है, कह रहे हैं आपकी अम्मी पैसे बचाती हैं, अच्छा करती हैं। तो जी हाँ बहुत अच्छा करती हैं, इतना अच्छी बात कहने के लिए। फिर अगला कमेंट है पीयू का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही है, तो ये कह रही है भाई बहुत सारी शॉपिंग करना और बड़ी माँ को भी कराना। अच्छा तो ठीक है, आपने कह दिया तो इंशाल्लाह जरूर, वैसे तो मैं पैसे सारे बचा के लाती। और ये कह रही हैं कि मेरे लिए नई नई डिजाइन के पेन, शार्पनर और इरेजर सब कुछ लेके आना। अच्छा तो देखेंगे, इंशाल्लाह मिले तो जरूर लाएंगे। आमीन। अगर नहीं मिले तो रोना नहीं। नहीं मिले तो रोना नहीं। वो जाती है। अगला कमेंट है इमरान सैफी का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं स्वीट फैमिली, ये कह रहे हैं स्वीट फैमिली है तुम्हारी, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आज के ब्लॉग पर इतने ही कमेंट थे और आज के ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं क्योंकि अभी हमारे काम चल रहे हैं और इसको जल्दी से एडिट करके डालना है टाइम पर। तो मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।